पुरुषों का सेक्स की पूरी प्रक्रिया के दौरान जोश बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कामुकता खो गई है या खत्म हो गई है, इसके लिए खजूर, जिसे हम इंग्लिश में डेट्स कहते हैं, रोजाना 5 या 7 खजूर एक हफ्ते तक लगातार खाने से आपके सेक्स पावर में वृद्धि होती है। अश्वगंधा भारतीयों के लिए एक उपहार है। रोजाना 10 ग्राम अश्वगंधा का पेस्ट नियमित रूप से ले लें तो कुछ ही दिनों में आपको इसके परिणाम नजर आने लगेंगे। अश्वगंधा आप किसी भी अपने आसपास के नजदीकी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चॉकलेट्स कामुकता को बढ़ाने में काफी हद तक लाभदायक है। लौकी के बीज में काफी हद तक जिंक पाया जाता है, जिससे पुरुषों में स्पर्म्स की संख्या बढ़ती है। इससे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कमी को दूर किया जाता है। प्याज, प्याज भी एक ऐसा उत्पाद है जो आपकी कामुकता बढ़ाने में काफी मदद करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कामुकता खो गई है या खत्म हो गई है, तो आप प्याज को मक्खन में तल लें और शहद के साथ मिलाकर इसे खाली पेट रोजाना सेवन करें। इससे आपकी कामुकता में वृद्धि होगी। ओइस्टर्स, ओइस्टर्स काफी सदियों से प्रचलित रहा है। इवन क्लियोपेट्रा और कैसानोवा को भी ये काफी पसंद है। और तो और, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कैसानोवा इसी का प्रयोग करता था। इसमें डोपामाइन का स्तर काफी होता है। महिलाओं और पुरुषों में ये कामुकता को बहुत हद तक बढ़ाता है। इसमें जिंक का स्तर काफी होता है, इसलिए ये पुरुषों में शुक्राणुओं की वृद्धि करता है। तरबूज में सिट्रोलिन अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो रक्त की उन धमनियों को सुकून पहुंचाती है जो मनुष्य में काम वासना को जगाती है। अंजीर, अंजीर संभोग शक्ति बढ़ाने में काफी कारगर साबित होती है। क्लियोपेट्रा को भी अंजीर काफी पसंद थे। इवन पुराने जमाने में ग्रीस के लोगों की ये धारणा थी कि अंजीर काफी हद तक मनुष्य के फर्टिलिटी लेवल को बढ़ाता है। बनाना, जिसे हम हिंदी में केला भी कहते हैं, यह फल पोटेशियम से भरपूर होता है। इससे आपकी कामुकता और सेक्स की प्रक्रिया के प्रदर्शन में काफी हद तक लाभप्रद होता है। अंडे आपके हार्मोन लेवल को नियंत्रित करते हैं तथा आपके तनाव को कम करते हैं और आपके सेक्स के प्रदर्शन की प्रक्रिया में सुधार लाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करती हैं। अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा है, हमारा खान पान अच्छा है, तो काफी हद तक बीमारियां हमसे दूर रहती हैं।